हेलो एवरीवन, मैं अभिजीत कुमार, हेल्थ एडवाइजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जब कम होने लगता है तो उसका लक्षण क्या है कम होने का, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, कुछ लक्षण है, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका हीमोग्लोबिन कम टाइम में, कम समय में कैसे इनक्रीज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोकेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं दोस्त हीमोग्लोबिन कम होने का लक्षण के बारे में। फर्स्ट लक्षण है आपका आपका वीकनेस होना, बॉडी में थकान होना, आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसके बाद देखा गया है आपका सर में दर्द होना यानी और चक्कर आना सर में। इसके बाद भी देखा गया है कि आपका हार्ट जो है ज़्यादा तेज तरीके से अनियमित तरीके से पंप करने लगता है और चेस्ट में दर्द होने लगता है। ये भी देखा गया है दोस्त सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होने लगता है जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो। और इसके बाद भी देखा गया है कि जब जो आपका स्किन है ये येलो होने लगता है। और ये भी होता है कि आपका जो हाथ पैर जो है आपका ये स्वेलिंग होने लगता है जब आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो। दोस्त ये सारा सिम्टम आपका हीमोग्लोबिन कम होने का ही है। प्लीज़ इसमें से कोई भी सिम्टम दिख रहा है आपके बॉडी में तो अपने नज़दीकी पैथोलॉजी लैब में जाएं और अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएं, हो सकता है कि आपका आपका हीमोग्लोबिन कम हो। बात करते हैं दोस्त हीमोग्लोबिन बहुत ही कम टाइम में कैसे इंक्रीज किया जाए अपने बॉडी में, कैसे इसको बढ़ाया जाए बहुत ही कम टाइम में। पहले हम लोग समझेंगे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन कौन सा पोषक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में आता है आपका आयरन और प्रोटीन, और इसके बाद आपका आता है विटामिन सी। ये तीनों चीज़ से हीमोग्लोबिन जो है ये तैयार होता है। तो ये तीनों चीज़ जिस फूड में पाया जाएगा, जिस खाना में पाया जाएगा, उस खाना को आप लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा बहुत फास्ट तरीके से। तो चलिए बात करते हैं कुछ खाना के जो जिसमें हम लोगों का आपका तीनों चीज़ पाया जाता है। फर्स्ट में आता है आपका चुकंदर। चुकंदर में बहुत भरपूर मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है, प्लस में आपका पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सब सारा पाया जाता है, प्लस में फोलिक एसिड भी पाया जाता है। और इसमें ये भी देखा गया है जो चुकंदर का जो पत्ता है, पत्ता में 3 गुना मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। तो प्लीज़ आप चुकंदर खा रहे हैं तो उसका पत्ता भी खाए कि जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है बहुत ही फास्ट तरीके से आपका बढ़ाता है हीमोग्लोबिन। बात करते हैं दोस्त अगला खाना के बारे में जिसका नाम है आपका आंवला। आंवला में बहुत ही भरपूर मात्रा में आपका विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद नींबू है, नींबू में भी बहुत भरपूर मात्रा में आपका विटामिन सी पाया जाता है। प्लस में आपका जामुन और कीवी, ये दोनों में आपका पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड और आपका विटामिन सी पाया जाता है। और प्लस में आयरन बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं दोस्त अगला खाना के बारे में जिसका नाम है अनार और सेब। ये दोनों में काफ़ी मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है, प्लस में प्रोटीन भी पाया जाता है बहुत ही अच्छा मात्रा में, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड सारा इंग्रेडिएंट पाया जाता है बहुत अच्छा मात्रा में, जो कि आपको बहुत ही फास्ट तरीके से हेल्प करता है आपका हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने में। तो प्लीज़ ये खाने में ऐड कीजिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी फास्ट तरीके से बढ़े। इसके बाद आप सब्जी में आप पालक ले सकते हैं, जो हरे गहरे कलर का जो पत्तेदार सब्जी है आप उसको ले सकते हैं, जैसे आपका गोभी हो गया, आपका पालक हो गया और आपका चने का साग हो गया, ये सब सारा चीज़ ले सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। बात करते हैं दोस्त अगला खाना के बारे में जो है आपका गुड़ है, मूंगफली है और सूखा किशमिश है। ये तीनों को आप मिलाकर ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस, आपका फैटी एसिड ये सब प्रोटीन, आयरन बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है ये सब सारा चीज़ में। तो ये तीनों को मिलाकर आप ले सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। दोस्त जो भी मैं खाना के बारे में बताया है ये आप खाना ले रहे हैं ओनली फॉर 10 दिन के लिए, आप 10 दिन के बाद देखेंगे आपके हीमोग्लोबिन जो है काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये आपका जो ओवरऑल हेल्थ है
हेल्थ को भी काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखता है। दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और जिस व्यक्ति के लग रहा है कि हाँ उसको ऐसे वीडियो को ज़रूरत है तो उसके पास आप सेंड भी कीजिए, ताकि वो भी अपना हेल्थ का ख्याल रख सके और अपना लाइफ जो है हेल्दी तरीके से जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।